दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल पर आया हूं और आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज आपकी इस छोटी ही क्लास में वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों मंत्री परिषद और मंत्री मंडल के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिएगा, इंग्लिश में मंत्री जो परिषद होता है इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जबकि मंत्रिमंडल को हम बोलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, इन दोनों में अंतर को आज हम जानेंगे। देखिएगा, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होता है ना, इसमें कम से कम भी 60 से 70 मंत्री होते हैं, एक बड़ा समूह होता है। जबकि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये इन मंत्रियों में से ही कुछ 15 से 20 अति महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। मीन्स अगर मैं आपको डायग्राम फॉर्म में समझाऊं तो यहाँ से जो 60 से 70 जो मंत्री हैं, बीच में 15 से जो 20 मंत्री हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। ये है मंत्रिमंडल, ये है मंत्रिमंडल, और जबकि ये आपका क्या है, मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हैं कैबिनेट मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री, और एक उप मंत्री भी होते हैं। क्या होते हैं? उप मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, और इनके पास ज़्यादा पावर होती हैं। जबकि जो राज्य मंत्री होते हैं, ये इनकी सहायता के लिए होते हैं राज्य मंत्री। कई बार राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे भी दिया जाता कोई डिपार्टमेंट, और कई बार नहीं भी दिया जाता, तो दोनों की दोनों बातें हो सकते हैं। मीन्स राज्य मंत्री की पावर कम होती है, और राज्य मंत्री का मेन काम क्या होता है, जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्टर्स हो गया, होम मिनिस्टर्स हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और कुछ राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं उनकी सहायता के लिए, और फिर उनसे आगे कुछ मंत्री बनते हैं उप मंत्री। ये उप मंत्री बेसिकली जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसका भाग नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्री का भाग नहीं होते, और उप मंत्री भी कैबिनेट मंत्री का भाग नहीं होते। जबकि राज्य मंत्री और उप मंत्री किसका भाग होते हैं? मंत्री परिषद का भाग होते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लो कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो अलग चीज है, उसके बाद राज्य मंत्री है, उसके बाद उप मंत्री है, और इन तीनों मंत्रियों को मिला के हमारी क्या बनती है, मंत्री परिषद। और जो ये कैबिनेट मंत्री है ना 15 से 20, इसी को हमें क्या बोल देते हैं, मंत्रिमंडल। तो जो हमारे कैबिनेट जो मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हो रहे होंगे उसी को हम क्या बोल देते हैं, मंत्रिमंडल। एक बार फिर से सामान्य भाषा में कि जब बहुत सारे जो मंत्री हम बनाते हैं सारे मंत्रियों को मिला के हम बोलेंगे मंत्री परिषद। उसमें से जो अति महत्वपूर्ण 15 से 20 मंत्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को ही हमने क्या नाम दे दिया, मंत्रिमंडल दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये कैबिनेट मंत्री हैं ये क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री भाई, ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं भाई, महत्वपूर्ण क्या लेते हैं, निर्णय लेंगे सरकार के लिए, नीतियों के लिए, और जो ये निर्णय लेंगे उन निर्णय को लागू करवाया जाएगा किन के द्वारा, पूरी की पूरी मंत्री परिषद के द्वारा। एक प्रकार से आप ये कर सकते हो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के, मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करवाती है। जैसे घर में होता है ना,
आठ से दस आदमी होते हैं, लेकिन उसमें दो क्या होते हैं, दो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, चाहे वो आपके दादा हो चाहे आपके वो पिताजी हो, वो जो निर्णय लेंगे बाकी लोग उनकी हेल्प करेंगे उस निर्णय को लागू करवाने में, राइट। हालांकि दादा और जो पिताजी हैं वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन उनको हमने क्या नाम दे दिया, कैबिनेट मंत्री, और पूरी फैमिली को हमने क्या नाम दे दिया, मंत्री परिषद, राइट। तो अब ये मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद क्या करता है, मंत्रिमंडल ने जो भी निर्णय लिया है तो वो सारे के सारे कार्य को लागू करवाएगा, मीन्स इसमें राज्य मंत्री भी सहयोग देंगे, जो 15-20 मंत्री ने डिसीजंस लिया है वो भी इसमें सहयोग देंगे उस निर्णय को लागू करवाने में, और उप मंत्री भी इसमें सहयोग देंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये 60 से जो 70 मंत्री होते हैं, ये कभी भी एक साथ बैठक नहीं करते हैं भाई, कभी भी क्या नहीं करते हैं, एक साथ सामूहिक रूप से बैठक नहीं करते हैं, सामूहिक बैठक नहीं करते हैं, सामूहिक बैठक ये नहीं करते, मतलब मिलके कभी नहीं होते, लेकिन कैबिनेट जो मंत्री होंगे या फिर आप बोल सकते हो जो मंत्रिमंडल होगा, ये वीकली सामान्यतः है भाई, वीक में भी हो सकता है, 10 डेज में भी हो सकता है, 15 डेज, मतलब कि भी ये जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं, इनकी वीकली बैठक होती रहती है, वीकली बैठक होती रहती है, राइट। दूसरी बात भाई, जो ये मंत्री परिषद है, ये हमारा क्या है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये हुआ कि भी इसको संविधान में लिख दिया गया था, इसका वर्णन कहां पर है, संविधान में डायरेक्टली वर्णन है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 74 में भी है और आर्टिकल नंबर 75 में भी है, लेकिन मंत्रिमंडल का डायरेक्ट वर्णन नहीं है भाई, इसका क्या नहीं है, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है, ध्यान देना है। हां, मंत्रिमंडल का जिक्र जरूर किया गया है, कब जिक्र किया गया भाई, हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है कब लगती है, जब आर्टिकल नंबर 352 का यूज किया जाता है, और उसमें यह बोल दिया गया जब पूरे देश में कोई भी बाहर का युद्ध हो जाए दूसरे देश के साथ, दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, अपने देश में आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस केस में राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, लेकिन वो नेशनल इमरजेंसी तब लागू की जाएगी जब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल लिखित रूप में, मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा, तो राष्ट्रपति क्या लगा देगा, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है भाई। अब ये वाली बात हालांकि पहले नहीं थी, लेकिन मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा, इस बात को पहली बार कब ऐड किया गया, इस बात का जिक्र, ये जो जिक्र किया गया है ये कब ऐड किया गया भाई, हमने 44वां संशोधन किया था, 44वां संशोधन किया कब, 1978 में, तो 1978 में संशोधन के द्वारा इस बात को ऐड कर दिया गया कि भी देश में नेशनल इमरजेंसी तब लगेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा राष्ट्रपति को, तो डायरेक्टली किसी आर्टिकल में यूज ना होके एक संशोधन के द्वारा इस वर्ड को यूज किया गया है। सिंपल वे में एक बार फिर बता देता हूं, मंत्री परिषद का डायरेक्ट आर्टिकल है लेकिन मंत्रिमंडल का डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है, इस शब्द को पहली बार 1978 में यूज किया गया जब संविधान में 44वीं बार बदलाव किया, और उसमें बदलाव क्या हुआ था कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो मंत्रिमंडल को लिखित रूप में वो चीजें देनी ही देनी पड़ेगी भी। उसके बाद और क्या अंतर है देखो, अब जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं ये पार्ट होते हैं किसका, मंत्री परिषद का, पार्ट तो है ही है। अब मंत्री जो परिषद होती है वो हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भाई, सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है, सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा के प्रति क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब पूरी मंत्री परिषद ही। कहने का मतलब ये है जो मंत्रिमंडल है स्पेशली उसके लिए बात नहीं है, इस बात में ये दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा दोस्तों, बहुत बार ये भी कहा जाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भी जो हमारा मंत्रिमंडल है ना, ये वाला मंत्रिमंडल है, मींस जो हमारे ये कैबिनेट मंत्री हैं, जो हमारे क्या हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये 15 से 20 मंत्री, ये एक प्रकार से जो हमारे राज्य रूपी जहाज है, जो हमारी सरकार को एक जहाज का रूप दे दिया गया, किस जहाज के स्टेयरिंग के रूप में काम करते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि सरकार की डायरेक्शन क्या होगी, ये डिसाइड करेंगे कि सरकार में किस नीति को लागू किया जाएगा, ये डिसाइड करेंगे कि सरकार की आगे आने वाली सोच क्या होगी, सरकार कैसे काम करने वाली है। उसके बाद भाई इसको ना मंत्रिमंडल को सूर्य के साथ कंपेरिजन कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल के जो मंत्री है ना, वो एक प्रकार से सूर्य के समान है और बाकी मंत्री तो उसके चारों तरफ परिभ्रमण करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। मतलब मेन सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, मेन धुरी कौन है सरकार की? मंत्रिमंडल। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हमारी जो एक्चुअल में जो सरकार होती है वो मंत्रिमंडल ही चलाते और मंत्रिमंडल ही होता है, बाकी जो लोग होते हैं वो तो उसकी हेल्प के लिए ही होते हैं। और मंत्रिमंडल किसका भाग होता है? मंत्री परिषद का होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।